हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो इंग्लिश ग्रामर एंड लर्निंग का सेशन नंबर 2 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। यस, मैं मंगेश यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गीता एकेडमी में। तो हमारे इंग्लिश ग्रामर एंड लर्निंग का जो सेशन नंबर 1 था, उसमें हमने देखा कि कैसे हम लोग प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब पहचान सकते हैं, और कैसे नया सेंटेंस फॉर्म करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज के वीडियो के बारे में, जहां हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस को आइडेंटिफाई करना और उसको फॉर्म करना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। इसकी आइडेंटिटी क्या है? जिस वाक्य के अंत में या, ही, ये, ता था, ता थी, ते थे ये शब्द आए, तो हमें फौरन समझ जाना होगा कि वो जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वहां गया, ये लोग वहां गए, मैंने खाना खाया, ठीक है, ये सब वाक्य क्या है? पास्ट टेंस हैं। अब सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, उसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो वर्ब होगा उसका सेकंड फॉर्म लिखना है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो आप लोग को सबसे पहले वर्ब के फॉर्म याद करने होंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अगर आप में से किसी को वर्ब के फॉर्म पे वीडियो चाहिए तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने वहां पे लिंक दे रखा है, हमने खुद इससे पहले एक वीडियो उस पे बना रखी है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए सेंटेंस नेगेटिव है तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले शुरुआत होगी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट का यूज करना होगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म नहीं, यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, वह मुंबई गया, ही वेंट टू मुंबई। अब देखिए यहाँ पे गो वेंट गॉन, जो वर्ब है गो, इसका हमने सेकंड फॉर्म लिखा है वेंट, ठीक है। अब आइए सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या लिखा है? हमने अपनी पढ़ाई की, वी डिड आवर स्टडी। उसके बाद थर्ड देखते हैं, उसने पत्र नहीं लिखा, ही और शी, लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो शी यूज करना है। डिड नॉट राइट अ लेटर, देखो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस था, नहीं लिखा हुआ था, तो हमने डिड नॉट का यूज किया। क्या वह स्कूल गया? डिड ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क देंगे यहाँ पे। आज तुम देर से क्यों आए? व्हाई डिड यू कम लेट टुडे। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे सिंपल पास्ट टेंस के। तो सिंपल पास्ट टेंस के होने के बाद अब आइए आगे बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो सबसे पहले जानेंगे इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे ये शब्द आए, तो वो वाक्य क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अब सेंटेंस फॉर्मेशन देखना है हमें, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा बड़ा है ये, आपको ध्यान देना होगा कि आप क्या यूज करने वाले हो यहाँ पे, वॉज एंड वेयर यूज करने वाले हो, हेल्पिंग वर्ब, और जो मेन वर्ब होगा उसका फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी लगा होगा। तो हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? वॉज, वॉज होगा सिंगुलर के लिए, वेयर होगा प्लूरल के लिए। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। वह सो रही थी, शी वॉज स्लीपिंग, तो स्लीप है ये मेन वर्ब था, इसमें हमने क्या लगाया? आई एन जी, स्लीपिंग। वे मैदान में खेल रहे थे, दे वेयर प्लेइंग इन द फील्ड। देखिए यहाँ पे वे में मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुवचन हो जाइए, तो हमने यूज किया है वेयर, प्ले के साथ हमने आई एन जी लगाया, जो मेन वर्ब है प्ले, इसके साथ हमने क्या यूज किया है? आई एन जी। थर्ड क्या है? मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट डूइंग माई स्टडी। क्या वह रो रही थी? वॉज शी क्राइंग। और लास्टली क्या है? तुम कल क्या कर रहे थे? वॉट वेयर यू डूइंग यस्टरडे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल खत्म होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। अब आइए आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे ये शब्द आए, तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैड, और जो मेन वर्ब होगा उसका हमेशा हमें थर्ड फॉर्म ही लिखना है। ओके, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है हैड हमेशा यूज करना है। आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके।
डॉक्टर आने से पहले मरीज मर चुका था. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. वे खाना खा चुके थे. दे हैड ईटन अ फूड. क्या तुम इस जगह को पहले देख चुके थे? हैड यू सीन दिस प्लेस बिफोर? क्वेश्चन मार्क डालना है यहाँ पे. हम इस खबर को पहले सुन चुके थे. वी हैड हर्ड दिस न्यूज बिफोर. यहाँ पे एक हिंट है आप लोगों के लिए, तो उस हिंट को आप पढ़ लीजिए. अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. जैसे कि आप एग्जांपल वन में देख सकते हैं, डॉक्टर आने से पहले मरीज मर चुका था. ऐसे ही कुछ अलग क्वेश्चन आपके घर पे भी कई बार पूछे गए होंगे, जिसका जवाब आपको उस समय नहीं आया होगा. तो ये एक अच्छा चांस है ऐसे सवालों का आंसर देने का. फॉर एग्जाम्पल, स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है. ऐसे ही अनेक क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने होंगे खोजकर. अब आइए आगे बढ़ते हैं अगले टेंस की तरफ, जो कि है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो चलिए शुरू करते हैं. इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय भी आए, मतलब टाइम का भी जिक्र हो, उसको हम लोग कह सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है. तो सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे हम लोग? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हैड बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी प्लस सिंस स्लैश फॉर प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे पहले भी एग्जांपल में आपने देखा है सिंस और फॉर कब यूज करना है. हेल्पिंग वर्ब आप देख सकते हैं कौन कौन से, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, हैड बीन. सबके साथ हैड बीन ही लगेगा. अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं कुछ. तो पहला एग्जाम्पल है, वह एक घंटे से पत्र लिख रही थी. She had been writing a letter for an hour. सेकंड देखते हैं, वे शाम से पढ़ाई कर रहे थे. They had been doing study since evening. तो यहाँ पे देखो, पहले क्वेश्चन में एक घंटा समय दिया था, तो हमने यूज किया है फॉर. और सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, सेकंड एग्जाम्पल, उसमें टाइम का जिक्र नहीं हुआ है, तो हमने यहाँ पे यूज किया है सिंस. तो फॉर और सिंस का यूज करना आप लोग को अच्छी तरह आ गया होगा. इसी तरह के और सेंटेंस खोजें, अपनी बुक में लिखें, प्रैक्टिस करें, ताकि जो आपका टेंस ये टॉपिक है वो एकदम मजबूत हो जाए. तो आज का सेशन नंबर 2 यहीं पे खत्म होता है. अगर आप सभी लोगों को आज का सेशन अच्छी तरह समझ में आया, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा पाए और अपनी पढ़ाई घर बैठे ही कर पाए. तो हमारे अगले वीडियो के लिए रेड बटन को प्रेस करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें टेंस के ऊपर, तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.